साल 2018 रिलीज हुआ था साउथ इंडियन टॉलीवुड की आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की अनदर मास मूवी सूर्या द सोल्जर। उस टाइम में मूवी ने सिर्फ तेलुगु स्टेट में रिलीज होकर लगभग 100 करोड़ का बिजनेस किया था। लिटरली उस मूवी में अल्लू अर्जुन ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। आज भी उस मूवी के कुछ क्लिप्स इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इंटरनेट में कोई भी बंदा, कोई भी मास मूवी फैन उन क्लिप्स को एंड तक देखे बिना स्किप नहीं कर सकता। बट अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी को छोड़कर मेजोरिटी ऑडियंस को वो मूवी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, क्योंकि अल्लू अर्जुन अपने मूवीज में इस लेवल का एफर्ट डालते हैं कि बाकी चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तुमने यूट्यूब पे अल्लू अर्जुन की सर नायडू और डीजे मूवी को देखा है तो तुम मेरी बातों से रिलेट जरूर कर सकते हो। शॉर्ट एंड अल्लू अर्जुन के सभी मूवीज में वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा था। इसी वजह से सूर्या द सोल्जर मूवी में अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस को मूवी का कंटेंट मैच नहीं कर पाया। इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ की सक्सेस मिलने के बाद भी फैंस के फीडबैक वाइज सूर्या द सोल्जर एक फ्लॉप साबित हो गया। बट फिर भी यूट्यूब के हिंदी डब मूवीज के साथ टीवी चैनल्स में उनका पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे था। इसी को देखते हुए अल्लू अर्जुन ने अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए 2019 में एक भी मूवी को साइन नहीं किया। उन्होंने अपने फैमिली को टाइम दिया, करोड़ों रुपए की घर बनाया। बट यूट्यूब के हिंदी डब मूवीज में हिंदी ऑडियंस के बीच में अल्लू अर्जुन का पॉपुलैरिटी तब भी बरकरार था। साल 2020 संक्रांति पर अल्लू अर्जुन की फिर से एक मूवी रिलीज होता है, रोमांटिक कॉमेडी प्लस फैमिली ड्रामा आला वैकुंठम पुरमुल्लु। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तेलुगु स्टेट में रिलीज होकर ओवरऑल इंडिया से मूवी ने लगभग 280 करोड़ का कलेक्शन किया था। भाई समझने वाली बात यह है कि मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुआ था, अल्लू अर्जुन का पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। लिटरली उस टाइम में आला वैकुंठम पुरमुल्लु मूवी को लेकर लोगों का क्रेज बता रहा था कि भाई उनको लैंग्वेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अल्लू अर्जुन को देखना चाहते हैं। फिर भाई अल्लू अर्जुन को फाइनली रियलाइज हुआ कि उन्हें पसंद करने वाले ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, बल्कि लोग थिएटर्स में उनके स्टाइलिश अवतार को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके तुरंत बाद ही अल्लू अर्जुन ने उस मूवी को पैन इंडिया रिलीज करने का प्लानिंग कर लिया था, बट कोविड-19 के साथ कार्तिक आर्यन की शहजादा का राइट्स की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट उस मूवी के सॉन्ग्स इतना पॉपुलर हुआ बुटापामा से लेकर रामुलो रामुला, टिकटॉक से लेकर सभी सोशल मीडिया में अल्लू अर्जुन का स्टाइल लिटरली तबाही मचा दिया था। इसी को देखते हुए धीरे धीरे अल्लू अर्जुन का पैन इंडियन मूवीज के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि अब मैं अपने लाइफ में जो भी मूवी करूंगा डेफिनेटली वो मूवी हिंदी में रिलीज तो होगा ही, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदी ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस साल 2021 16 दिसंबर रिलीज हुआ था स्टाइलिश स्टार की अपग्रेडेड टैग नेम आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज। और कोविड-19 के सिचुएशन के बाद ये फर्स्ट पैन इंडिया मूवी था ओवरऑल इंडिया में। साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क था अल्लू अर्जुन के सामने, क्योंकि पैन इंडिया हो या नॉर्मल रिलीज, कोविड के पहले और कोविड के बाद थिएटर्स का माहौल चेंज हो चुका है, ऑडियंस का मूवीज देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में लोग एवरेज से बिलो एवरेज मूवीज को ओटीटी में देखना ही पसंद करते हैं। वैसे भी अल्लू अर्जुन पैन इंडिया लेवल पे फर्स्ट टाइम एंट्री मार रहे थे, जो कि एक रीजनल मूवी स्टार के लिए एक एग्जाम की तरह होता है, जिसमें पास होना आसान काम नहीं होता वो। बट डायरेक्टर सुकुमार की स्टाइल और मूवी के डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, जिसमें अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा के बहुत सारे मूवमेंट्स वायरल होने की वजह से, आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा के आइडेंटिटी की वजह से लगभग 370 करोड़ कमा के मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गया। हालांकि 370 करोड़ तुम्हें बहुत ही एवरेज लग रहा होगा, बट हॉलीवुड की बिगेस्ट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के सामने बिना सीक्वल पावर के सिर्फ टीवी और यूट्यूब के फैन फॉलोइंग से नॉर्थ बेल्ट यानी हिंदी में 120 करोड़ का कलेक्शन करना कोई मजाक नहीं है भाई साहब। और तुम्हें याद दिला दूं, मूवी रिलीज हुआ था 2021 की 16 दिसंबर, जनवरी में लॉकडाउन लग गया था भाई साहब। भाई तुम्हें याद नहीं है तो उस टाइम में थिएटर्स की ऑक्युपेंसी 50% चल रहा था, फिर भी मूवी ने ऐसा कलेक्शन खड़ा कर दिया। किस वजह से? आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की स्टारडम की वजह से, क्योंकि पुष्पा मूवी में स्टाइलिश स्टार का डिफरेंट स्टाइल ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया, चाहे श्रीवल्ली वाला स्टाइल ले लो या पुष्पा झुकेगा नहीं। उसके बाद आला वैकुंठम पुरमुल्लु की तरह इस मूवी के सभी सॉन्ग्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर था भाई साहब। देखा जाए तो पेंडेमिक के बीच में अल्लू अर्जुन ने ही एक मास मूवी के तौर पे ऑडियंस को थिएटर्स में खींचा था, और तुम इग्नोर नहीं कर सकते ऑडियंस की इसी एक्साइटमेंट का कंटिन्यूएशन RRR और KGF का सक्सेस है भाई साहब। और कहीं ना कहीं पुष्पा मूवी के द्वारा अल्लू अर्जुन ने ही पैन इंडियन मूवीज में एक अलग रेवोल्यूशन ला दिया था, और इसी वजह से आज हम सलार और लियो जैसे मूवीज के लिए एक्साइटेड है। वो कहते हैं ना कि किसी न किसी फील्ड में रेवोल्यूशन लाने के लिए किसी एक बंदे को
आगे आना ही पड़ेगा, रिक्स लेना ही पड़ेगा। अल्लू अर्जुन ने वो रिक्स लेकर दिखा दिया है कि पावर सिर्फ मूवी के कंटेंट में नहीं होता बल्कि बाप लेवल स्टारडम में भी होता है। और इसी वजह से पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 मूवी के लिए ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर है। एग्जैक्ट KGF 2 की तरह हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले व्हाट इज पुष्पा वाले ग्लिम्स में इंटरनेट में तबाही मचा दिया था। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो 370 करोड़ के कलेक्शन करने वाला पुष्पा 1 से लेकर पुष्पा 2 में वो पोटेंशियल है जो एक ग्रैंड लेवल पैन इंडिया मूवी के अंदर होना चाहिए। पार्ट 1 370 करोड़, तो डेफिनेटली पार्ट 2 1370 करोड़ भाई साहब। और ये सब कुछ डिपेंडेंट है एक ही आदमी के स्वैग, स्टाइल और पर्सनैलिटी के ऊपर, आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन। लिटरली ये बंदा एक लॉयल फैन बेस को कैरी करता है। पर्सनली इसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। खैर तुम बताओ, तुम अल्लू अर्जुन को किस लिए फॉलो करते हो और तुम उनके मूवीज को क्यों देखते हो? और क्या लगता है पुष्पा मूवी अल्लू अर्जुन के लाइफ में सबसे बेस्ट काम है? मुझे कमेंट में जरूर बताना, एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। भाई वीडियो के पीछे रिसर्च करने में हफ्ते निकल जाता है, स्क्रिप्ट तैयार करने में भाई 2-3 दिन निकल जाता है, वीडियो एडिटिंग करने में कुछ घंटे निकल जाता है, और तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। हालत तो तुम देख ही सकते हो, गर्मियों में फटा जा रहा है। खैर एक सब्सक्राइब और एक लाइक पाने के लिए अपन कुछ भी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।